हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। नए साल की शुरुआत हो चुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना एक नए सफर की भी शुरुआत कर ली जाए। भैया जी, एक नए सफर की शुरुआत हो चुकी है और हम निकल रहे हैं गैंगटॉक के लिए। अभी इस वक्त हम दिल्ली मोड़ पे हैं, जो हमारी बस अभी 9:25 में खुलने वाली है और ये हमें सिलीगुड़ी पहुंचाई है। ये डायरेक्ट गैंगटॉक के लिए बस तो नहीं है, बट हम यहाँ से सिलीगुड़ी जाएंगे पहले, फिर सिलीगुड़ी से बस लेंगे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। तो रात भर सफर करने के बाद सुबह के 6 बजे हम पहुंचे सिलीगुड़ी। तो भैया जी, टैक्सी हमने ले ली है और निकल रहे हैं गैंगटॉक के लिए। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों से भरा था बस, वो भी खाली हो गया। फिलहाल हम रुके थे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बढ़ते अपनी मंजिल की तरफ। कैसा है ये सफर, सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गैंगटॉक और नजारे कुछ ऐसे हैं। गैंगटॉक पहुंचने के बाद हमने टैक्सी लिया होटल के लिए और मैं बताना चाहूंगा कि इस सफर पे हमारे साथ तौसीफ भाई भी हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं आपसे बस 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे, और फिर वहाँ उसके बाद हम लोग फ्रेश होके निकलेंगे 10 पॉइंट्स की तरफ और वो सारा कवर करेंगे और भी सारी चीज़ जो भी चीज़ें की जाएंगी वो आपको सारा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद सडनली हमारा प्लान चेंज हो गया। होटल नहीं जाके सीधा हम घूमने निकल गए। तो भैया जी, बेसिकली ये गणेश भगवान का मंदिर है। और ये 10 पॉइंट व्यू जो है उसका एक पार्ट है। तो चलते हैं अब ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट की तरफ।
तो गणेश टॉक कवर करने के बाद हम गए ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट। ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट पहुंचते ही जो मुझे नजारे दिखे वो मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। क्या ढूंढते हैं लोग शहर की शोर में, मुझे इन पहाड़ों की सन्नाटों में सब कुछ मिल जाता है। शाम होते ही ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट से हम निकल पड़े होटल की तरफ। होटल पहुंच के फिर हमने चेक इन करा। तो गाइस इधर तो आ चुके हैं ग्रिफिनिस्ट के बाहर जो कि हमारा होटल है। ये होटल हमने ऑनलाइन बुक करा था, ये हमें अप्रॉक्स 650 के अप्रॉक्स पड़ा था और ये एमजी मार्ग से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये होटल की ये सबसे खास बात ये है कि इसके जो नज़ारे आ रहे हैं भाई साहब मत ही पूछो, और जो व्यू है वो आपको वीडियो में आगे दिखेंगे। बाकी ये यही कहेंगे कि होटल बहुत बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं होटल की तरफ। तो भैया जी ये जो व्यू है सारे पैसे इसी के हैं। और सिक्किम का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो, कैसे आप सब? बढ़िया। तो गैंगटॉक में आज हमारा दूसरा दिन है और आज के दिन की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से। इन
इंटीरियर काफी बेहतरीन है इसका, इस होटल का जो इंटीरियर है वो रेस्टोरेंट का वो काफी खूबसूरत है। आप देख सकते हो यहाँ की सारी चीजें बहुत ही सही वे में रखी हैं। एग्जैक्ट ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े बचे हुए व्यू पॉइंट को कवर करने। तो आज का हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट है प्लांट कंजर्वेटरी। तो भैया जी हम पहुंच चुके अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट पे जो कि है प्लांट कंजर्वेटरी। चलिए देखते हैं कैसा है। तो भैया जी लोकल साइट सीइंग के नाम पे हमारे साथ एक छोटा सा मजाक हो चुका है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस छोटे छोटे प्लांट्स है। प्लांट कंजर्वेटरी कवर करने के बाद हम गए ल्हासा फॉल। तो अभी हम आ चुके हैं ल्हासा वाटरफॉल और ये हमारे पीछे ल्हासा वाटरफॉल है। गजब बेइज्जती है। तो भैया जी बेइज्जती तो मैंने करवा ली है, अब निकलते हैं इधर से और चलते हैं तासी व्यू पॉइंट की तरफ। वहाँ पे कुछ पल बिताने के बाद हम निकल पड़े तासी व्यू पॉइंट की तरफ। हम आ चुके हैं तासी व्यू पॉइंट पे और ये हमारे पीछे तासी व्यू पॉइंट है और अभी चलते हैं देखते हैं जैसा है। तो भैया जी अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और नजारे कुछ ऐसे हैं। Everyone has a story. Everyone has been through something that has changed them. So, never judge a person by the chapter you walked in on. भैया जी अभी हम जा रहे थे रोपवे की तरफ और रास्ते में हमें एक मॉन्स्ट्री दिखा जो कि एंट्री अभी फिलहाल बंद है यहाँ पे। तो अब वापस चलते हैं रोपवे की तरफ। एक फॉल है ना, कंचनजंगा कहाँ से दिखता है? अभी तो क्लाउड है ना, सुबह होटल से बगल से देखता है।
राइड के लिए और टिकट हमने ले लिया जो कि अराउंड 120 के अप्रॉक्स है। तो भैया जी हम आ चुके हैं रोपवे के अंदर और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, थोड़ा डर भी लग रहा है। तो रोपवे राइड करने के बाद हम निकल पड़े अपने लास्ट व्यू पॉइंट की तरफ जो कि था एक मॉन्स्ट्री। तो भैया जी इस वक्त हम आ चुके हैं नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्तोलॉजी और यहाँ पे एक मॉन्स्ट्री है, तो चलिए अंदर चलते हैं। सारा दिन घूमने के बाद हम पहुंच चुके अपने होटल। ठंड के इस मौसम में जो सबसे बड़ी नीड होती है वो होती है चाय, और अभी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है और ठंड काफी लग रही है, तो ठंड को मिटाने के लिए इससे बेहतर उपाय और हो ही क्या सकता है। हाँ ये सस्ते में। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, क्या लगता है कितनी ठंड लग रही है तुम्हें? तो पहले से लग रही ठंड। भाई मुझे ठंडी लग गई है, वोमिटिंग हो गई है, और क्या चाहते हैं आप? कई बार कर दियो तुम्हारी, नहीं कितनी बार वोमिटिंग कर चुके हैं तुम वैसे भी ऑलरेडी? कसम से आज लग रहा बहुत से, अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किएंगे ताजी किएंगे। तो फिर क्या लगता है लाचुंग का प्लान कैंसिल कर दो बर्फ, क्योंकि वहां तो माइनस में टेम्परेचर रहता है 5-6। तो समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हीटर का बंदोबस्त करेंगे, क्या दिक्कत है? वही हो जो मंजूर है खुदा होगा इंशाल्लाह। कल का प्लान रखा जाए इंशाल्लाह। और सिक्किम का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो गैंगटॉक में आज हमारा तीसरा दिन है और अभी तक आपने देखा कि हम उलझे हुए थे लाचेन और लाचुंग के प्लान में, तो तबीयत सही नहीं रहने की वजह से वो प्लान हमने कैंसिल कर दिया और आज हम जाने वाले हैं चांगू लेक की तरफ। तो आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह के चाय से। तो भैया जी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया और अब हमारी कैब भी आ चुकी है, तो हम निकलने वाले हैं चांगू लेक की तरफ। ठीक है दादा, चलता हूँ अब। तो भैया जी फिलहाल हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। कभी कभी ऐसा नहीं लगता
कि ये वादियां तुम्हें चीख चीख कर बुला रही है। तो भैया जी कंचनजंगा व्यू पॉइंट से हम निकल चुके हैं और वापस बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर का ऊपर में मतलब आइस जमा हुआ है। अच्छा। उसका ऊपर में मत चढ़िएगा प्लीज। हाँ। लेक का डीप है 55 मीटर। अच्छा। 55 मीटर जी। गैंगटॉक से लेकर चांगू लेक तक का सफर 2 घंटों का है और रास्तों में आपको बर्फ से ढकी वादियां मिलेंगी। चांगू लेक जो कि पूरी फ्रोजन है। ओ माय गॉड। खैर इतनी ठंड होने के बावजूद यहाँ से चलने का मजा कुछ और ही था और कुछ इस तरह इन खूबसूरत वादियों को निहारते हुए हम पहुंचे चांगू लेक। तो भैया जी हम आ गए चांगू लेक और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है। तेरे नी करारा मैनू कटिया, दस मैं कि प्यार विचों खटिया। बर्फ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ ही बर्फ है। कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट। बहुत मजा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट और वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो अपन का। तो भैया जी अभी दिन के बज रहे हैं 12:30 और यहाँ का टेम्परेचर अभी 1 डिग्री है। कभी ये सोचा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दिन उठेंगे और हमें एहसास होगा कि जिंदगी यूं ही बीत गई और उस पल में मैं बस ये नहीं कहना चाहता कि काश मैंने अपने सपनों को जिया होता। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ ही बर्फ बोलो ना जी। बर्फ ही बर्फ। अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। एंड पीछे देख सकते हो चांगू लेक जो कि पूरी फ्रोजन है, मतलब बर्फ से जम गई है। ठीक है।
और इस तरफ चारों तरफ आपको पहाड़ पे भी सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगा। तो काफी अच्छा स्पॉट है और खिली सी धूप है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बहुत अलग वाइब आ रही है भाई साहब। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जो पल बीत गया वो वापस नहीं आता। तो जिंदगी पर अफसोस करने से बेहतर है कि उन पलों को खुलकर जियो और अपने सपनों को पूरा करो। हमारे साथ इस ट्रिप पे एक भाई मिले हैं, एक भाई तो नहीं तीन भाई मिले थे, तो एक का तो तबियत सही नहीं था, वो नहीं आ पाए। ये भाई आए और इनके साथ एक और भाई आया, तो भाई लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा सीरियसली। तो यहां तक तो सब ठीक था, और ये जो खुशी आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं ये तुरंत गम में बदल गई। ये जो भाई साहब मेरे साथ हैं, इनको मैंने अपना फ़ोन दिया मेरा वीडियो शूट करने के लिए। तो ये भाई साहब वीडियो शूट कर ही रहे थे, उसी दौरान इनका पैर फिसल गया और फ़ोन इनके हाथ से छूटकर लेक में गिर गया। तो भैया जी फिर मैं अपना फ़ोन निकालने गया, पर मेरे से हुआ नहीं। फिर एक लोकल भैया आए और उन्होंने मेरी हेल्प की। तब तक मैं आधा भीग चुका था, और मतलब मानो जैसे ऑक्सीजन लेवल सारी डाउन हो गई मेरी। फिर बहुत मुश्किलों से मेरा फ़ोन मिला मुझे। फिर उसके बाद फिर समझिए मुझे लोगों ने उठाया, फिर कैब तक ले गया। मेरी बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई। उसी दौरान फिर हमें वापस आना पड़ा, और सिक्किम का ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी तक आपने देखा मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें होटल वापस आना पड़ा, और आज शाम हम जाने वाले हैं एमजी मार्ग की तरफ। भाई इस वक्त मैं फाइनली आ चुका हूँ एमजी मार्ग पर, और ये हमारे पीछे देख सकते हैं एमजी मार्ग। हम पहुंच चुके हैं गैंगटॉक के सबसे आइकॉनिक प्लेस पे, जो है एमजी मार्ग। तो एमजी मार्ग पे हम लोग पहुंचे हैं 5:30 में, और अभी हम लोग जा रहे हैं एमजी मार्ग। वहाँ कुछ खाएंगे और कुछ मार्केटिंग होगी तो वो करेंगे, तो चलते हैं फिर सीधा। अभी मिलेगा भी जल्द नहीं ना। अच्छा चलिए, तो ये गांधी जी के स्टैचू। अच्छी लाइटिंग यहाँ पे। फिलहाल एमजी मार्ग हमने कवर कर लिया, और वापस अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। नामची तो यहाँ नेपाल में भी है ना भैया? नहीं, नामची बाजार तो इधर का है, सिक्किम में है आपका उधर। होटल पहुंच के फिर हमने डिनर करा। सो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर, और डिनर में है ये पनीर चिल्ली, और यहाँ पे है अमिताभ ब्रो, और अभी हम लोग खा रहे हैं। और एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मैंने एक बाइट लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो चाय पीते हुए अल्ताफ क्रिएशन, यूर बिहारी गाइज अल्ताफ, चाय पीजिए और बताइए कैसा टेस्ट है। अभी जा रहे हैं पूछे ग्रिफिन @_ कैसा चाय है? बहुत ही
तो आपको बाहर में चाय नहीं, आपको बाहर में चाय ऐसे ही मिलेगी दोस्त, कहीं भी जाइएगा तो आपको याद होगा आपने शाम में जो चाय पिया था, तो वो चाय इसी लेवल की चाय थी ना, तो चाय की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते कि बहुत अच्छी मिलने वाली कहीं भी। सो ओवरऑल यही रहने वाला है, तो खाने के बाद चाय। मुझे लगता है एक शहर सिर्फ मकानों से नहीं बनता, वो वहाँ के लोगों से बनता है। यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि वाई डू ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। आपने भी शायद सोचा होगा, काश ऐसा होता कि हर वो चीज़ जो हमें अच्छी लगती है वो हमेशा कायम रहे और जिंदगी एक सपने की तरह गुजर जाए। लेकिन फिर याद आता है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, अच्छा या बुरा। और शायद खुशी में खुशी इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है कि वो बस कुछ पल की मेहमान है और जल्दी का नाम जिंदगी है। तो जो भी है बस इस लम्हे में है। कल की फिक्र करते करते आज को खो देना बड़े घाटे का सौदा है मेरे दोस्त। खैर, हर चीज की तरह हमारा सिक्किम का ये सफर भी यहीं खत्म हुआ। और ये सफर आपके लिए यादगार था या नहीं वो तो मुझे आप बताएंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक मेरा हमराही बनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।